नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। हम अभी हैं किशन गुर्जर, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और लगातार जो पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हुए हैं उसके नेतृत्वकारी भूमिका में रहे हैं, और पिछले जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं और खासकर 2018 के बाद से उसके हर लॉन्ग मार्च का हिस्सा रहे हैं, उसकी तैयारियों का ये हिस्सा रहे हैं। किस तरह से लॉन्ग मार्च बनते हैं और तैयारियाँ होती हैं, उसके बाद किस तरह से इनको क्या जीत मिली है, लॉन्ग मार्च क्या महत्व रहा है किसान आंदोलन पर, इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो ये आपसे, जिस तरह से अब चारों लॉन्ग मार्च का हिस्सा रहे, उन चारों लॉन्ग मार्चों में आप आम किसानों ने क्या हासिल किया और आपका संघर्ष किस तरीके का रहा उसके बारे में? अभी तक जो चार मार्च हुए जिसको लॉन्ग मार्च कहते हैं हम, पहला मार्च में सरकार को लगता था कि पूरा 200 किलोमीटर नहीं चलेगा किसान, मगर चल के जाने के बाद सरकार को ज़मीन पे आना पड़ा और किसानों की कुछ मांगे के ऊपर, जैसा कर्जा मुक्ति का है 40,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ़ करना पड़ा पहले लॉन्ग मार्च के तहत। दूसरी बात है वन अधिकार, जो बड़ा सवाल है, वो देश का सवाल है, महाराष्ट्र का भी सवाल है, उसमें भी थोड़ी दो कदम आगे गया और उससे कुछ जो किसान हैं जो फॉरेस्ट लैंड कल्टीवेटर करते हैं उनका फायदा हुआ, मगर वो पूरी तरह नहीं हुआ था। देवस्थान जमीन का सवाल वैसा ही पड़ा था, आपके वर्कर्स जमीन जो साहूकार ने आदिवासी की जमीन हड़प की थी, मगर वो कॉमरेड गोदावरी परिवर्तन के मार्गदर्शन के अनुसार किसान सभा के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, वारली आदिवासी का उठा, वो जग भर में देश भर में मशहूर है। उस उठाव के तहत वहाँ के जो आदिवासी पर गुलामी लादने वाले सभी साहूकार को भागना पड़ा, जो जमीन पहले भी आदिवासी की थी आज भी आदिवासी के पास है मगर नाम है साहूकार का, वो सवाल बड़ा है पालघर ज़िले में, उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ज़मीन के प्रश्न है। दूसरा लॉन्ग मार्च के टाइम वनाधिकार कानून थोड़ा आगे गया, मगर उसमें कुछ जो जितना होना चाहिए था उतना नहीं होने की वजह से वो वनाधिकार का सवाल आज भी था। उस टाइम जो ज्येष्ठ नागरिक है, वो ज्येष्ठ नागरिक का जो मानदंड है वो बढ़ने में सरकार ने निर्णय लिया। जो पुलिस पाटिल है, पुलिस पाटिल को मानदंड डबल हुआ, ऐसे कुछ बातें उधर अच्छी और सकारात्मक हुई। उसके बाद में पिछले महीने में जो मार्च हुआ उसमें जो सरकार ने जिसके पट्टे मंजूर किए थे, मगर वो 7-12 पे जो लिखा पढ़ने थे वो अदर इसमें इतर हक में डाला था, वो इतर हक में डालने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो दो सवाल उसके बारे में हैं, एक है कि इतर हक से कब्जेदार सदर में डालना चाहिए, और दूसरा है जो पोर्ट खराबा लिखा था वो जमीन में उपजाऊ जमीन है ऐसा उधर 7-12 में तब्दीली आना चाहिए, और वनाधिकार कानून के अनुसार 4 हेक्टेयर तक जमीन मिलना चाहिए। ये सवाल के ऊपर एक कमेटी गठित हुई, वो कमेटी का अहवाल आना बाकी है, वो अहवाल आने के बाद उसमें क्या निकलता है, और आशा है कि सकारात्मक निकलेगा, क्योंकि वो कमेटी में हमारे माजी MLA कॉमरेड JP गावित और आज के MLA कॉमरेड विनोद निकोले, ये दोनों भी वो कमेटी में हैं, और उसके वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये सवाल जो 7-12 का है वो सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी, वो समिति निर्णय लेगी। आज का जो लॉन्ग मार्च निकला, ये लॉन्ग मार्च में और पिछला टाइम देवस्थान जमीन के बारे में मार्च के जो मार्च में जो लॉन्ग मार्च हुआ, देवस्थान जमीन के बारे में कानून बनाने का निर्णय लिया था, मगर अभी तक वो कोई हलचल नहीं थी। आज देवस्थान जमीन के बारे में सकारात्मक निर्णय लेके वो देवस्थान जमीन किसानों को कैसे मिलना चाहिए, इसके बारे में वो कमेटी जो है वो जल्दी गठित होगी, उसका कानून कैसा होना चाहिए उसका भी उसका लिखित दिया जाएगा, और वो देवस्थान जमीन का मुद्दा किसानों के हित में लिया जाए, ऐसे इसी प्रकार का निर्णय हुआ है। दूसरा मुद्दा है वनाधिकार के बारे में, आज तक जो अपात्र किए हुए नामंजूर किए हुए दावे हैं, वो नामंजूर किए हुए दावे फिर से तपासनी होगी, उसमें से कानून के अनुसार जो 2 पुरावे हैं वो 2 पुरावे को मद्देनजर रखते हुए उसको मंजूर करने का
निर्णय लिया गया है उसका भी लिखित दिया जाएगा। और सबसे बड़ा और अहम सवाल है वर्कर्स ज़मीन का, जो मैंने पहले ही बताया, ये वर्कर्स ज़मीन जो ज़मीन जोतता है उसके नाम पर होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने कुछ सूचना दी, जैसा हमने अर्जी करना चाहिए, और उसके बारे में वो अर्जी करने के बाद उसके बारे में नाम पर करने का प्रक्रिया आगे जाने वाला है। ये चारों ही लॉन्ग मार्च में ठोस करके जो निर्णय हुए उसे, फिर देवस्थान ज़मीन के बारे में जैसा हुआ वैसा तल ज़मीन जो घरों के नीचे की ज़मीन का मुद्दा हुआ, वो कामगारों के बारे में मुद्दा हुआ, ये बहुत सकारात्मक निर्णय हुआ। इस ये जो चौथा आंदोलन हुआ वो शॉर्ट भी था, फिर भी लोग ऐसा समझे नहीं कि भी शॉर्ट के लिए क्या जाए, मात्र 52 किलोमीटर का, 52 किलोमीटर का था। और ये 52 किलोमीटर चलने के लिए भी एक महीने के अंदर तैयारी करके 15 से 20 हज़ार लोग इस आंदोलन में शरीक हुए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और किसान सभा इसमें बढ़ेगी, किसान सभा का आंदोलन और आगे जाएगा, और किसानों को आगे लेके जाने के लिए किसान सभा आगे जाएगी। और जहाँ तक है, आज तक आदिवासी किसानों बड़ी तादाद में किसान सभा के साथ महाराष्ट्र में है, मगर गैर आदिवासी किसान भी इससे जोड़े जाएंगे। जो दूध का सवाल है उसके बारे में खुद यहाँ के जो पालक मंत्री है और दुग्ध विकास मंत्री है उसके बारे में 9 तारीख को एक मीटिंग रखा है, उस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। ऐसा चारों जो मार्च हुए उसमें निर्णय लिया। और ये सब होने के बावजूद यदि अमल बजावनी नहीं होती है, अमल में नहीं लाया जाता है, तो किसान सभा और आंदोलन की तैयारी करने के लिए तैयार है और करेगी जब तक लोगों के सवाल नहीं छूटते। ये सवाल हमने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग पूछते बार बार आंदोलन करते कमेटी बन जाती, मिलता क्या है, क्योंकि जो वन अधिकार का जमीन वाला सवाल था वो पिछले से लेकिन आपने बताया किस तरह से उसमें डेवलपमेंट होती रही है, कुछ ना कुछ उसमें अचीव होता रहा है। तो 100% मांग तो नहीं, लेकिन कुछ टका मांग आपकी पूरी होती रही है। इसमें अब दूसरा सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि जिस तरह लॉन्ग मार्च करना आसान नहीं है, इतने लोगों को मोबिलाइज करना, उनको कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एकजुट करके पैदल इतने लंबा चलाना और सारी उनके रहने और सारी व्यवस्था करना, ये सारी तैयारियां और संगठनिक रूप पे आप लोग कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, और किस तरह से लोग किसानों को आप लोग मोबिलाइज करते हैं और इतना लंबा समय तक उनको सबसे अनुशासित मार्च जो होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं जो कि अनुशासनहीनता के चक्कर में ख़राब हो जाते हैं या उन पर सरकार एक्शन ले लेती है, लेकिन आप लोगों का मार्च इतना अनुशासन के साथ किस तरह से चलता है, इसकी पूरी तैयारी आप लोग कैसे करते आए हैं? सुनिए, पहला तो ये जो सब लोग हैं वो लाल झंडे के ऊपर किसान सभा के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात ये है कि अपना सवाल है तो अपने सवाल के लिए हम खुद लड़ना चाहिए, ये किसान सभा ने उनको सिखाया है। इसके वजह से जब जब निर्णय लिया जाता है फिर ग्राम से लेकर तहसील से लेकर जिला तक जो कमेटियाँ हमारी है वो कमेटियाँ सब तैयारी करती है, लोगों तक तो वो संदेश लेके जाती है और लोग अपनी तैयारी करके बाहर निकलते हैं। जहाँ तक अभी तक चारों मार्च हुए, चार ही मार्च में अपना खुद का खर्चा खुद उठाया है हमारे लोगों ने, किसी से किसी के मदद का मोहताज नहीं रहा। आज भी इतना हुआ सब खर्चा, बाकी यहाँ के लोग बहुत खाना देने वाले थे और कुछ मदद करने वाले थे, उनका हमने खाली पानी लिया और इधर रुकने की व्यवस्था ली, बाकी कोई भी मदद हमने ले ली। इसका कारण है कि लाल झंडे के ऊपर निष्ठा है लोगों की और उनको पता है कि लाल झंडे के सिवा ये सवालों को कोई हल करने का कोशिश नहीं करेगा, आज तक नहीं किया है, ये उनको खतरी सिर दिमाग में है उनके, इसके वजह से वो तुरंत तैयार होते हैं आंदोलन के लिए। जैसा हम आंदोलन करने के लिए तैयार है वैसा वो हमको साथ देते हैं, किसान सभा को साथ देते हैं, ये हमारा अनुभव रहा है। ये तो अपना किस तरह से, क्योंकि हमने भी देखा जो किसान आता है अपने साथ अनाज सब्जी फल सब लेके आता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते भी आएँ, लेकिन आपने जिस तरह से बताया तैयारियां होती हैं उसके लिए, और आपने जिस तरह से बताया आंदोलन का अब क्या अचीवमेंट रहा है अब तक जनता को बताने के लिए, शुक्रिया, और आपने हमें समय दिया इसके लिए शुक्रिया। ये थे आप कृष्ण गुर्जर, जिनसे आपने सुना जो किस तरीके से इनकी तैयारियाँ होती हैं और अपने दम पर किसान किस तरह से इस तरह के मार्च करता आया है, और हालाँकि कुछ मांगें इनकी पूरी होती हैं, कुछ मांगें बची, इसको आंदोलन करते रहना पड़ रहा है और आगे भी ये नए आंदोलन के लिए हमेशा तैयार हैं। अभी के लिए इतना ही, और किसान मजदूर के बाकी आंदोलन से जो अपडेट होता है न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके आता रहा है और आगे भी लेके आता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।